हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में, और इसकी जो है इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। इसके अलावा आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड भी कंटेंट को अपलोड करता हूँ। इसके अलावा जो जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है जितना भी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या एसोसिएट प्रोफेसर उसकी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे आप बताता रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप CSI नेट, नीट, ICMR या DBT GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है वो अपलोड किया है, तो उसे भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो देखिए, वो जो नोटिफिकेशन आया ये आया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया। तो चलिए हम वो इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको बस क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड पर कैरियर्स पे, तो आपको यहाँ पर जाना है, कैरियर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना हो। यहाँ पे देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है ये पूरा जो आपका रिक्रूटमेंट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है? तो ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये जो है ये आपके टेम्परेरी जॉब्स है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने डिफरेंट दो लाइक फैक्टर मेंशन कर रखा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, जेंडर इंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, और आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी, तो हम एक एक करके जो है इन चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया। और इसे हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि एफिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस फॉर 11 मंथ। तो यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो टेम्परेरी होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगा, और ये इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 11 मंथ रहेगा। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सैलरी है वो भी यहाँ मेंशन कर रखी, तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी देखने को मिलेंगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है या जिसमें आपने ना पीजी क्वालिफाई की, पीजी आपने किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लाइक अपनी जो पोस्ट है वो चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है 50,000 रुपीज़ मेंशन कर रखा है, वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है 30,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी को भी निकाला गया, तो इंजीनियर, रिसर्च एडवाइजर, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, ऐसा करके आप देख सकते हैं डिफरेंट जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरेशन फॉर ऑल अबव पोस्ट फ्रॉम डेट 6 अगस्त टू 21 अगस्त, तो यहाँ पे देखिए 21 अगस्त तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी वो 24 अगस्त 2021 को सेंड करनी बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर, और ये 24 अगस्त से पहले पहुँच जाना चाहिए, शाम 6 बजे से पहले। इसके अलावा अगर आप जो ऐसा क्वालिफिकेशन, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.baou.edu.in पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए ये तो हमारा एडवर्टाइजमेंट देख लिया हमने, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की जो डिसिप्लिन मेंशन कर रखे हैं, साथ ही सैलरी मेंशन कर रखी है, और उसके आगे कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो आपकी रहेगी एज पर UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एजुकेशन, उसके लिए आप PhD डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स एक कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके PG में। इसके अलावा आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए होना चाहिए, और मिनिमम आपके 5 पब्लिकेशंस या एज बुक्स और रिसर्च या पॉलिसी पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है होने चाहिए। तो ये तो था हमारा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अगर बात एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में अलग अलग यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी, तो आप जिस भी डिसिप्लिन में आप जो है आप फिट बैठते हैं तो आप उसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए, तो इंग्लिश, गुजराती, लाइब्रेरियन, इन्फॉर्मेशन साइंस, तो इन सब डिसिप्लिन में जो है आपका PG डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेड में, या आपका कंसर्ट सब्जेक्ट में, एलाइड सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका CSI UGC नेट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने PhD अपना रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले किया है,
तो आपका यहाँ पे पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए, आपके पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन वॉइस होना चाहिए, और आपका मिनिमम आपके थीसिस से 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया है आपके पास, तो आप जो है यहाँ पे नेट की आपके लिए कोई भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखी, जो कि यूजी रेगुलेशन 2018 रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीएचडी डिग्री मस्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री मेंशन, आपका पीएचडी डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जो कि अफिलेटेड है यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे आपका पीजी डिग्री प्लट नेट के थ्रू जो है आप अपना जो भी है लाइक आप अपना लाइक अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो नो नीड ऑफ पीएचडी डिग्री, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीजी डिग्री प्लस योर नेट यू कैन अप्लाई फॉर इन द कॉलेज। बट फॉर इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी देन यू शुड हैव पीएचडी डिग्री, क्लियर। तो ये आप इन्होंने लिंक दे रखा है, तो आप इस लिंक पर जाके जो यूजी रेगुलेशन 2018 पेज नंबर 59.3.10 ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी दे रखी है, ऐसे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी दे रखी है, इंजीनियर सिविल के लिए। तो आप अगर इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वालिफिकेशन। हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अपनी अपनी आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, इसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट फॉर 11 में, तो यहाँ पे अपना आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन कर रखा करना है। इसके लिए आपका फी पेमेंट जो भी है, जैसे कि आप मेंशन कर रखा है STSC SEBC PSEWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते तो 150 रुपीज़, वहीं अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते तो 300 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैंक नेम चालान डेट सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है। तो इसके साथ आपके जितने भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है, जैसे नेट का सर्टिफिकेट या आपने कोई पब्लिकेशन आपका है, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो चाहे रिव्यू आर्टिकल चाहे बुक चैप्टर हो, तो वो सारा आपको अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, क्लियर। अब देखिए और चीज़ हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करने कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। क्लिक करने के बाद आपका जो है इस टाइप का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब मेंशन कर रखा है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अपना जो भी डिटेल है, नेम, एड्रेस, पिन कोड, बर्थडे, ये सारा जो आपको मेंशन करना है, साथ ही फोटो और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो ठीक है। तो इस टाइप में आप जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, जो कि 150 रुपीज़ अगर आप SC ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहीं अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 300 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के बारे में अपना डिटेल देना पड़ेगा, जैसे आपका रिसर्च आर्टिकल, आपकी पीजी डिग्री किस में है, और आपका नेट है कि नहीं है, या आपने जो अपना PhD और रजिस्ट्रेशन किया 2009 से पहले कि नहीं, तो ये सब चीज़ें डिटेल जो है आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ऐसे ही आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, अपने जितने भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है उन सबका हार्ड कॉपी और आपका फी रिसिप्ट जो है आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो आपको सेंड कर देना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने सारा जो चीज़ वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।